खबर मथुरा से। जिलाधिकारी महोदय मथुरा व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मथुरा द्वारा वृंदावन शोध संस्थान में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी गण के साथ आगामी त्योहार हरियाली तीज के संबंध में ब्रीफिंग की गई एवं श्रद्धालुओं व जनपद वासियों को किसी प्रकार की अव्यवस्था असुविधा का सामना न करना पड़े उसके संबंध में पुलिस व्यवस्था, यातायात व्यवस्था व पार्किंग व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए एवं संबंधित को ड्यूटी के दौरान आम जन के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करने हेतु निर्देशित किया गया। हम सभी अवगत हैं कि कल हरियाली तीज का पावन त्यौहार है, इसमें पूरे जनपद में विभिन्न मंदिरों में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जनपद से और जनपद के बाहर से दूसरे राज्यों से भी आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इस पूरे त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं और यातायात व्यवस्थाएं की गई हैं। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वृंदावन को विभिन्न जोनों में डिवाइड किया गया, जिसमें 3 जोन 10 सेक्टर बनाए गए। जोन के प्रभारी एडिशनल एसपी रैंक ऑफिसर्स हैं, उसके अलावा सेक्टर के प्रभारी CO रैंक ऑफिसर है और इनके सहायतार्थ SHOs, SOs, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल लगाए गए। लगभग 1200 से ज़्यादा मुख्य आरक्षी और आरक्षी, 200 से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर, 2 कंपनी PAC, 1 प्लाटून 3rd PAC, उसके अलावा 100 से ज़्यादा संख्या में यातायात पुलिसकर्मी इस पूरे आयोजन के लिए लगाए गए। साथ ही साथ अवगत कराना चाहूँगा, इसके अलावा हम लोग सिविल डिफेंस तथा अन्य जो वॉलंटियर्स हैं उनको, उनकी भी सेवाएँ हम लोग लेंगे। उद्देश्य है कि सुगम तथा सुरक्षित दर्शन सभी श्रद्धालुओं को हम लोग मुहैया करा सकें। आप लोगों के माध्यम से लोगों से अपील है कि इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि बहुत ज़्यादा बीमार अत्यंत भीड़ भाड़ में ना आए। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, भीड़ काफ़ी रहती है, तो ऐसे केस में जो काफ़ी बीमार व्यक्ति हैं, काफ़ी वृद्ध व्यक्ति हैं, वो भीड़ भाड़ से बचें। और अमूमन ये टेंडेंसी होती है कि जूता चप्पल मंदिर के नज़दीक तक ले जाने की प्रवृत्ति लोगों में रहती है, उससे बचें। जूता चप्पल या तो अपने वाहनों में उतार दें या प्रशासन द्वारा जो निर्धारित जूता घर बनाए गए हैं वहीं पर जूते को उतारें। पुलिस प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था की गई है, चाहे वो पार्किंग की हो, रूट डाइवर्जन की हो, उसमें अपना सहयोग प्रदान करें। इस त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। साथ ही साथ हम लोगों से अपील करते हैं कि वो इस त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।